मायसेल्फ जितेंद्र, आज का टॉपिक है इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है जो बच्चे मतलब एग्जाम में इंग्लिश क्रैक भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश है क्या। बच्चे लोग 1 साल 2 साल एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी क्या दे रहे हैं, इंग्लिश में ही अटकते हैं। ऐसा क्यों? वो यार कट ऑफ 6 क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा हो क्यों रहा है आपके बच्चों के साथ? देखिए मैं समझाता हूँ आपको, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब क्या सही बताया है आपको? देखिए आप, मैंने एनालाइज भी किया, रिसर्च भी किया इसके ऊपर। जो फेमस बुक है ना इंग्लिश का, आप ले लीजिए, MS अग्रवाल या SP बख्शी का बुक, ठीक है, दोनों बुक आप मतलब ले लीजिए, या फ्रेंड्स वगैरह किसी के पास होगा ले लीजिए। और लास्ट 10 ईयर में जो एरर्स आए हैं ना IBPS के एग्जाम में, उसको आप फाइंड आउट कीजिए। आप देखिएगा ना कि वो 700-800 जो एरर्स है उसमें 150 से 200 ही रूल्स है जो बार बार रोटेट हो रहा है, बार बार वही चीज पूछा जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके 150 से 200 रूल्स आप अगर पढ़ लें इजी वे में, ये नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आया, मैं खुद करवा दूंगा सारा वीडियो, ये टोटल इतना इजी वे में ना, सिर्फ सेंटेंस चेंज रहेगा, बाकी आपको वही चीज मिलेगा, वही न्यूज, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साल में जितना नहीं होता 365 दिन, आप डेली एक एक रूल्स भी पढ़ेंगे ना तो इतना दिन में हो जाएगा। तो क्यों 1 साल 2 साल एग्जाम नहीं निकल रहा, बच्चा सिर्फ यही गलती किए जा रहा है। मैं बताऊंगा क्लोज टेस्ट के बारे में भी, फॉकेप के बारे में भी, ये आपका जो पैराजम्बल है वो कैसे अटेम्प्ट करें, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो आज का टॉपिक हमारा एरर्स है। इससे पहले हमारा जो वीडियो था रीजनिंग ऊपर, उसको अच्छा रिस्पांस मिला, अर्थमेटिक वालों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अगर आप बोलोगे तो मैं इंग्लिश को, मैं जो 150 से 200 है ना, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, सिर्फ आपको देख कर जाओगे ना तो कम से कम। तो आज का क्या हो रहा है, जैसे आज एग्जाम था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसमें 10 एरर्स आया था। अगर आप वो 10 एरर आप सही कर दिए होगे ना, तो आपका सेक्शनल कटअप भी क्लियर हो जाएगा और 1-2 नंबर ज्यादा भी आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो आप ये 150 से 200 रूल्स अगर आप एक बार देख लेते हो अच्छे से, तो फिर तो आपको एरर्स में टेंशन ही नहीं है। सेक्शनल कटअप के बारे में तो भूल जाओ, आप सोचोगे ना कि इंग्लिश में स्कोर कैसे करो। सो लेट स्टार्ट, हमारा आज का टॉपिक है एरर्स। बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप एक एक रूल्स को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बार 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 यही रिपीट हो रहा है हर एग्जाम में। मैं एनालाइज किया हूं बहुत बार, लास्ट 10 ईयर का पेपर लेकर, फिर SP बख्शी वाले से बोला, बुक सब बुक्स मैंने मतलब पढ़ के मैंने एनालाइज किया, फाइंड आउट किया ये चीज, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं ट्यूशन पढ़ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो फाइनेंशियली वीक है वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7687802096। मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे का मैसेज और ईमेल आ भी रहा है मेरे पास, ठीक है। मैंने उनको बोला कि 3rd जैन से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हुगली वेस्ट बंगाल में कौन नगर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको डरने की जरूरत नहीं इंग्लिश से, बहुत बच्चे डरते हैं, सही बता रहा हूं। आप पूछिएगा बहुत बच्चे से, बोलते हो भैया मैं रीजनिंग मैथ में तो नंबर बहुत ज्यादा उठता है, लेकिन इंग्लिश की वजह से मैं हर एग्जाम में पीछे होता हूँ। तो आपको अब नहीं डरना है, 2017 में तो जॉब लेना ही है। अब LIC AA का फॉर्म आया हुआ है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मेंस का एग्जाम बाकी अभी भी, ठीक है, और BSF का भी रिटर्न होने वाला है। सो इस सारे एग्जाम में तो आपको मतलब रिटर्न क्लियर करना ही है। सो लेट्स स्टार्ट, आपके टॉपिक हमारा एरर्स है। बहुत एक एक रूल्स को अच्छे से देखिएगा, एक एक अच्छे से देखिए। पहला एरर्स क्या है, द असाइन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। इसमें एरर्स क्या है, इसमें एरर्स क्या है, इसमें वर्ब एरर है हंग। आप बोलोगे कैसे, देखिए हैंग से बनता है क्या, हैंग, ठीक है। सो फांसी देने के लिए तो हम हैंग यूज करेंगे। आप बोलोगे कि भैया हैंग से तो हम भी बनता है, सही सही होगा, हैंग से हम भी बनता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम कुछ कब करते हैं। जैसे दीवार पे कोई पेंटिंग लगानी है, टांगनी है या घड़ी टांगना है, उस वक्त कुछ करते हैं हम। जैसे आई हंग अ पेंटिंग ऑन द वॉल, आई वॉज हंग अ वॉच ऑन द वॉल, तब हम यूज करें कि कोई चीज टांगने के लिए दीवार पर, तब यूज करते हैं हम, ना कि हैंग, ना कि हैंग। हैंग यूज तो करते हैं फांसी लटकाने के लिए, हमेशा यूज होगा आपका हैंग ये वर्ड, ना कि हम। सो मेरा पहला एरर यही था, यहां क्या हुआ, हैंग।
ठीक है, फांसी देने के लिए हमेशा याद रखिएगा हम यूज होगा, ना कि हम कब यूज करते हैं, बताई दिया हूं कोई चीज टांगनी है दीवार पर या कहीं पर भी, उस वक्त यूज करते हैं हम, ठीक है। सेकंड, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, इसमें एरर क्या है, देखिए इसमें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, बहुत बच्चे पता नहीं कर पाते हैं, बोलेंगे भैया सेंटेंस तो सही लग रहा है, इफ आई लीव नाउ आई विल बी नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, सही लग रहा है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस एरर, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस एरर, ठीक है। देखिए जब रिटर्न हम लिखते हैं तो बैक एक ही वर्ड है, रिटर्न में ही हाई लग है, सो रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आएगा, याद रखिएगा रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आएगा, ऐसे ऐसे भी सही लगे, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM, सो इसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस एरर, सो रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आएगा, ठीक है। एक एक को मतलब जो रूल्स है ना आप अच्छे से देखिएगा, यही सब रूल्स हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है, हर एग्जाम में मैंने लास्ट 10 ईयर का पेपर उठा के देखा है, वही 150-200 रूल्स को IPS बार बार रिपीट कर रहा है। एक घर है, एक घर में 150-200 रूल्स है, समझ लीजिए घर IPS है यार, वही से तो हर बार उठा रहा है वही रूल्स उठा रहा है बार बार, मैं लास्ट 10 ईयर पेपर बोला 2016 में बहुत सारे एग्जाम हुए, ठीक है, LIC NICL RBI NABARD SBI IPS और IPS करवाता है, ये सारे एग्जाम सब यही रिपीट कर रहा है, मैं बार बार देख रहा हूं, सो एक एक रूल्स को अच्छे से देखिएगा प्लीज, जितने भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर, यह बोला जा रहा है एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने देश का गौरव बचाना चाहिए, इसमें रस क्या है, देखिए ऐसे तो कुड बनता है कैन से बनता है कुड, और कैन से कुड बनता है, हम क्या बोल रहे हैं, एक सोल्जर अपने देश के लिए लड़ पाता था तो, लेकिन हम तो लड़ा वो तो यूज नहीं कर रहे ना, हम क्या यूज कर रहे हैं, एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने देश का गौरव बचाना चाहिए, तो यहाँ कुड नहीं आया, यहाँ आया क्या, मस्ट आएगा, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर्स, ठीक है, ये मैं थर्ड हुआ। फोर्थ देखिए, I can see better than him or he. पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, आउट ऑफ 100 95% बचे जाते क्या बोलेंगे, भैया ही होगा, समझिए चीज आप कि कभी भी कोई भी कंपेरिजन में क्या होता है, सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में वर्ब से पहले जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब के बाद जो चीज आएगा उसका बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो मेरा वर्ब आई है तो सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ होगा, आई कैन सी बेटर देन ही, ना कि हिम, ठीक है। जैसे आप देखिए, दे कैन डांस बेटर देन देम और ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपको मतलब ये चीज समझ, ऑब्जेक्ट का कंपेयर हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही होगा और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और आप बोलोगे भैया ये कैसे बचा लेंगे, ही है कि ही है, ये सब कैसे बचा लेंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, इसको मतलब कैसे कंपेयर करें कि ये बना दूंगा, ठीक है, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सो हमेशा कभी भी गलती मत कीजिएगा, बचपन से आप बोलते आ रहे हो आई कैन सी बेटर देन हिम, बचपन को भूल जाइए, अगर बचपन की बात को याद रखोगे और बचपन से रूल्स को जो नॉर्मल यूज करते हैं तब फिर आप तो इंग्लिश सीख नहीं पाओगे, रूल्स समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ ही होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ, गोल्डन रूल्स है ये, हमेशा कभी भी चीजों कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ होगा आई कैन सी बेटर देन हिम, ना बेटर देन हिम, ही बेटर देन ही, ही ना कि हिम, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया ही होता नहीं, 110% ही होगा, ये रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, इंग्लिश में गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कैसे पता लें कि कौन सा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, किसे कंपेयर किसके साथ करें, ठीक है। पांचवा देखिए, इफ आई वाज एन एस्ट्रोनॉट आई कुड हैव बीन वेरी हैप्पी, देखिए ऐसे तो हमेशा आई के साथ वाज यूज करते हैं बहुत बार, ठीक है, लेकिन कभी भी इमेजिनरी कंडीशन है ना, ऐसा कोई मतलब इमेजिन कर रहा है कोई चीज, तो उस कंडीशन में
आई के साथ कभी भी वाट नहीं आएगा, हमेशा आएगा वेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई चीज आप इमेजिन कर रहे हो तो हमेशा आई के साथ वेयर आएगा। यहाँ इमेजिन ही कर रहा है ना, इफ आई वाज एन एस्ट्रोनॉट आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं बहुत खुश होता, इमेजिन कर रहा है। सो आई के साथ कभी वाट नहीं आएगा, हमेशा आई के साथ वेयर आएगा। नॉर्मल हम आई के साथ वाज तो यूज करते ही है, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन में आई के साथ वाज नहीं वेयर आएगा, याद रखिएगा। ये पांच चीज हुआ, ठीक है। मैं 150 से 200 भूल जाना, मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा वो, ठीक है। आपको मतलब क्या बोले, एरर्स में तो जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ सेंटेंस अलग रहेगा, बाकी तो सेम, मैंने खुद एनालाइज किया है, ठीक है। ये है हमारा सिक्स नंबर, देखिए सिक्स नंबर क्या है, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर, नो एरर्स। इसमें एरर्स क्या है, इसमें एरर्स क्या है, देखिए ये जो सेंटेंस है ना विद अ व्यू टू, इसके साथ हमेशा भर प्लस आईएनजी आता है, कभी भी ऐसे मेरा भर क्या है सर्वे, तो इसमें आईएनजी आएगा। आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर, ये होगा सही वर्ड, ठीक है। और एक वर्ड है लुकिंग फॉरवर्ड टू, उस केस में भी ना, उस केस में भी भर प्लस आईएनजी आएगा। जैसे क्या होगा, ये नहीं बोल सकते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट इंग्लैंड, ये गलती होगा। सही क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग इंग्लैंड, ठीक है। तो दो वर्ड ऐसा है विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके साथ हमेशा भर प्लस आईएनजी आता है, तो ये दूस याद रखिएगा। ये हमारा सिक्स नंबर थ्रू, ठीक है। तो हमारा इसमें एरर सही था, यहाँ प्लस आईएनजी आएगा भर के साथ। सेवन समय नंबर देखिए, ऑन ए रेनी डे आई एंजॉय वॉचिंग टीवी विद अ हॉट बाउल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, रेनी डे पर मैं टीवी एंजॉय कर रहा हूं किसके साथ, हॉट बाउल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। पहले समझना बहुत जरूरी है कि हॉट है क्या, बाउल है या कॉर्नफ्लेक्स है, ऑब्वियसली यानी बाउल नहीं कॉर्नफ्लेक्स होगा हॉट, सो हॉट यहां नहीं, हॉट इसके पहले आएगा, तब जाकर आप मेरा सही होगा। ऑन ए रेनी डे आई एंजॉय वॉचिंग टीवी विद अ बाउल ऑफ हॉट कॉर्नफ्लेक्स, मेरा ये सही है, ठीक है। हॉट मेरा बाउल नहीं, हॉट क्या है कॉर्नफ्लेक्स, ये हमारा एरर था, ठीक है। सेवन नंबर देखिए, द बाइबल से दैट वी शुड लव ईच अदर, आप बोलोगे भैया ये सेंटेंस तो 110% सही है, कुछ गलती है नहीं। देखिए जब दो आदमी के बात करते हैं ना तो बोलते हैं क्या ईच अदर, और यहाँ बाइबल्स बोल रहा है जो क्रिश्चियन का ग्रंथ होता है वो बोल रहा है, दो आदमी को नहीं बोल रहा है, पूरी दुनिया को बोल रहा है कि हमें आपस में प्यार करना चाहिए, तो यहाँ पर ईच अदर वर्ड हो ही नहीं सकता। और ईच अदर तो सबको पता है कि ईच अदर तो हम दो आदमी लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर ईच अदर मेरा एरर था, यहाँ पर क्या होगा वंस अनदर, ये मेरा सही होगा। द बाइबल सेड दैट वी शुड लव वंस अनदर, ये बहुत सारे एग्जाम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा एरर था। एट नंबर देखिए, माई ब्रदर रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बुक्स, नो एरर। इसमें एरर क्या है, देखिए पेजेस क्या है, नाउन, किसी भी पर्सन प्लेस एंड थिंग को क्या बोलते हैं, नाउन्स। तो कभी भी दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन आता है तो हमेशा जो वो नाउन है ना सिंगुलर रहेगा, हमेशा। कभी भी आप देखिए कोई भी नाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए, या रूल्स को आप याद रखिएगा या वीडियो बार बार देखिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। तो सही वर्ड क्या होगा, माय ब्रदर रीड पेज आफ्टर पेज, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस, माय ब्रदर रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बुक्स। कभी भी दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन आता है तो वो जो नाउन्स है वो सिंगुलर हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। लास्ट देखिए, इन आवर कंट्री रिच आर गिवन मोर रिस्पेक्ट देन द पुअर, इसमें एरर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। देखिए पुअर बोलेंगे ना तो मतलब क्या होगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अमीर आदमी लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता है इन कंपेयर टू गरीब गरीब लोगों के बीच में, तो द पुअर पीपुल, ये क्या कम्युनिटी बन जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे बोलेंगे इन आवर कंट्री रिच आर गिवन, रिच हम एक अपने को थोड़ी ना बोल रहे हैं, एक अमीर को थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम सारी दुनिया में जितने अमीर सबको बोल रहे हैं,
सो हमको एक कॉग्निटिव आना जरूरी है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो रिच के जैसे ही द आएगा, द रिच, तो ये कॉग्निटिव बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरा एरर यही था। तो जैसे द ब्लाइंड पीपुल, ब्लाइंड पीपुल मतलब क्या? एक आदमी को बोल रहे हैं। जैसे हेल, जैसे बोलेंगे ब्लाइंड है तो क्या होगा? एक आदमी को बोल रहे हैं। जैसे बोलते ब्लाइंड पीपल तो क्या होता है? एक कॉम्युनिटी बन जाएगा, मतलब सभी ब्लाइंड पीपल को बोल रहे हैं। सो यहाँ पर तो हम यही बोलना चाह रहे थे ना, इन आवर कंट्री द रिच आर गिवन मोर रिस्पेक्टेड देन द पुअर, क्योंकि हम सारे अंग्रेजी को ना कि एक अंग्रेजी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ द आया, द रिच, एक कॉम्युनिटी बन गया, ठीक है। तो आज ये आने दस एरर्स रूल्स। बाकी अगर आपको सारा रूल्स जानना है, सारा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, प्लीज कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कमेंट्स में भी या फिर मेल भी आया है कि भैया अर्थमेटिक का चैप्टर वाइज आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। मैं अभी बैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि डबल एलआईसी, डबल ए एग्जाम आने वाला है। उसमें क्या होता है ना, बैंकिंग से रिलेटेड तीन से चार ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी मतलब एलआईसी से, एलआईसी है चीज क्या, उससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड। तो मैं उनके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप वो वीडियो देखने के बाद ना 10 से 12 क्वेश्चन तो आप पक्का समझ जाओगे, आने वाला नहीं आने वाला एलआईसी के ऊपर, ठीक है। सो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और जितने भी स्टैटिक जीके है, डैम हुआ, रिवर हुआ, नेशनल पार्क हुआ, और बहुत सारे जितने स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर, करेंसी, कैपिटल, मैं वो वीडियो बनाऊंगा ना, तो आप देखिएगा, आपको फिर वो दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आप बोलते हैं ना हर एग्जाम के बाद पढ़ते हैं, टाइम बेकार का वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम का वैल्यू समझिए आप। तो मैं वो स्टैटिक जीके का वीडियो बनाने वाला हूँ, आप एक बार देख लेंगे ना तो आप मतलब जिंदगी में भूल ही नहीं सकते वो, मतलब स्टैटिक जीके हो गया, बार बार हर एग्जाम के बाद नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार। सो बैंकिंग के ऊपर भी कल मेरा पजल का वीडियो आया था, एक बच्चा मुझको मतलब मैसेज किया था, दो मतलब गर्ल्स भी मैसेज की थी, कुछ स्टूडेंट भी, कि भैया सर्कुलर जो पजल है जिसमें बहुत सारा आता है मिसिंग, मदर फादर रिलेशनशिप, उसके ऊपर कुछ ट्रिक बनाइए। तो मैंने बनाया है, बहुत एडवांस पजल है, देखिएगा वो उसको करने का तरीका, ठीक है, करने का तरीका देखिएगा कैसे मतलब उसको करते हैं। बहुत बच्चे फंस जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जितना भी अर्थमेटिक क्वेश्चन आया है आज और कल में, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे भैया समझ ही नहीं आ रहा वो सारा क्वेश्चन, मतलब हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं अर्थमेटिक का, तो मैं बताऊंगा बहुत ही क्वेश्चन थे, सही तरीका बताऊंगा। क्योंकि 2016-17 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अर्थमेटिक के, IBPS जितने भी नेम पैटर्न के क्वेश्चन ला रहा है, मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। 25-30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि 2017 में तो वो क्वेश्चन आने ही वाले हैं, IBPS रिपीट कर नहीं सकता है क्योंकि न्यू पैटर्न है क्वेश्चन है। तो मैं वो क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, 2017 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। और मैं इंग्लिश का वीडियो चैप्टर वाइज भी अपलोड करूंगा, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो। सो अभी के लिए थैंक यू।